हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, ऑफ कोर्स आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो मैं बता देती हूँ। आज मैं आपको फॉक्सी आईलाइनर का ट्यूटोरियल देने जा रही हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, उन्हें शेयर कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि आप फ्यूचर में मेरे कोई भी वीडियो को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने फेस को मॉइस्चराइज़ किया। मॉइस्चराइज़ करने के बाद मैं थोड़ा लिप को भी मॉइस्चराइज़ करूँगी, क्योंकि मैं मैट लिपस्टिक अप्लाई करने वाली हूँ। नेक्स्ट मैंने NYX का प्राइमर लिया है, और प्राइमर के बाद मैं वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन ले रही हूँ, और इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। ये सारा ट्यूटोरियल जो है मैं बहुत क्विक दे रही हूँ, क्योंकि ये आप मेरे नॉर्मली हर वीडियोज़ में आप देखते हैं। और फाउंडेशन को मैं ब्लेंड कर चुकी हूँ, इसके बाद मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी। फॉक्सी आईलाइनर के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ कंसीलर का। आपको क्या करना है, कंसीलर को लेकर आईज के एजेस पे इस तरह से अप्लाई करना है दोनों आईज पे, ताकि आंखें जो है उस साइड से थोड़ी उठी हुई उधर की तरफ दिखेंगी। और इसको ब्लेंड करना है किस तरह से, अपने बालों को, स्किन को थोड़ा सा खींचना है, और इसके बाद इसको ब्लेंड करना है। ये मैं दिखाती हूँ इस तरह से, ठीक है। तो एक एज बन जाएगा, ऐसा लगेगा कि वो उस साइड से वो आपका फेस थोड़ा उठा हुआ है। फिर मैंने ब्लू हेवन का ट्रांसलूसेंट पाउडर लिया है, और इसे अपने कंसीलर को सेट कर लिया है। इसके बाद डस्ट ऑफ कर ले रही हूँ। नेक्स्ट मैं NYX का ब्रोंजर ले रही हूँ, और लाइट ब्रोंजअप करूँगी फेस को। ब्रोंजअप करने से फेस बहुत अच्छा दिखता है, और नोज़ को भी मैं थोड़ा कॉन्टूर करूँगी। इसके बाद मैंने चिक टिंट लिया है, और चूँकि मुझे नेचुरल लगना है एकदम, इसीलिए मैंने टिंट का यूज़ किया है, और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ मैं इसे। और ब्लेंड करने के बाद बहुत ही नेचुरल ग्लो टाइप का आएगा। हाइलाइटर लगा रही हूँ, ये मेबलिन का हाइलाइटर है। तो हाइलाइटर हो गया है, अब चलते हैं आईब्रोज़ की तरफ। तो फॉक्सी आईलाइनर में अगर आपके आर्च निकल रही है तो बहुत अच्छा है। मेरी तो आर्च नहीं निकलती है, बड़ी दिक्कत होती है। अगर आपके आर्च वाली आईब्रोज़ है तो बहुत अच्छी बात है। इसको फिल करने के बाद मैं वेट एंड वाइल्ड का ट्रांसपेरेंट मस्कारा लगा के एक सेट कर लूँगी। और अब एक सेलो टेप मैं अप्लाई कर रही हूँ, और लाइनर के लिए मैंने L18 का लिक्विड लाइनर लिया है। और अब मैं स्लोली दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपको एक पतली सी लाइन ड्रॉ करनी है। और अगर आपकी हुडेड आई है तो एकदम उसके नीचे से लाइन को छोड़ दीजिए, एकदम उसे जाने दीजिए, और इस तरह से ड्रॉ कीजिए, और फिर हल्का सा एक ट्रायंगुलर शेप दीजिए। देखिए इस वीडियो में आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया। एकदम हल्का सा आपको एक ट्रायंगुलर शेप देना है, बहुत मोटी विंग नहीं बनानी है आपको, एकदम पतली सी विंग बनानी है। और इसके बाद अपनी जो अपर वाटर लाइन है उसकी एकदम क्लोज आईलाइनर को लगाना है। एकदम भी थिक आपको आईलाइनर लगाने की ज़रूरत नहीं है, और एकदम हाफ लिट से थोड़ा सा ज़्यादा लगाकर छोड़ दीजिए, और इस तरह से कॉर्नर को एजेस से पकड़ के एजेस बनाइए। अब मैं रेड लिपस्टिक लगा रही हूँ, और ये मैट लिपस्टिक है, तो ये शाय स्टाइल का लिपस्टिक है। अब चलिए हेयर को सेट करते हैं। अब मैं ये हाफ आईलैशेस लगाऊंगी, और पहले मैं मस्कारा अप्लाई कर ले रही हूँ, और ये हाफ आईलैशेस मैं अप्लाई कर रही हूँ। पूरे आईलैशेस नहीं लगा रही हूँ, बस कॉर्नर पे लगा रही हूँ। आप डिफरेंस देख रहे हैं कि कितना फ़र्क लग रहा है आईलैशेस लगाने के बाद फॉक्सी आईलाइनर में। तो गाइज़ ये है मेरा फाइनल फिनिश लुक। अगर आपको ये मेरा लुक पसंद आया है तो प्लीज़ गाइज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, उन्हें शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये और अगर आपको कोई सजेशन चाहिए या आगे कोई सी भी वीडियो देखनी है तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।